शुक्रवार को सुबह सुबह अचानक उस समय साहेबगंज में अफरा तफरी मच गई जब वाराणसी और गोरखपुर की तकरीबन 5 टीमों ने अचानक साहेबगंज में छापा मार दिया और कुछ दुकानों पर जांच करने पहुंच गए। दर्जनों दुकानों पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई किस तरह की है, क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। आपको बता दें, गोरखपुर के साहेबगंज में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कस्टम विभाग की टीम अचानक अपने दल बल के साथ पहुँच गई, जिसके बाद दुकान खोलने आए व्यापारियों ने दुकान ही नहीं खोला, लेकिन जिसके लिए यह टीम आई थी उन दुकानों को खुलवाकर वहां कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस डर से तमाम दुकानदारों ने दुकान ही नहीं खोली। साहेबगंज में लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें कि जॉइंट कमिश्नर जीएसटी वाराणसी आशुतोष के नेतृत्व में साहेबगंज मंडी में 5 टीम के साथ एक साथ छापा मारा गया। बिना सूचना साहेबगंज में पहुंची कस्टम विभाग की टीम के आने से साहेबगंज में हड़कंप मच गया। व्यापारियों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब था, जिससे व्यापारी अपनी दुकान बंद कर तमाशाबीन बने रहे। फिलहाल पान मसाला और तमाम इस तरह के दुकानों पर कस्टम विभाग की कार्रवाई की गई। मामला उत्पाद कर चोरी का है और गल्ला मंडी का ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसको क्लियर करना, ये फरीद जैसे LI डिजिटल है ना मैडम, वैसे ही फरीद ने भी एक करंट अकाउंट खोल रखा है वो रियल एजेंसी के नाम पे। अभी एक ये CI का वो है, अभी वो आ रहा है कपड़े का एक रुपये पाउच है, 20 पाउच है इसके अंदर।